सवाल में कैसे हो आप सभी, होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पुराने फोन के व्हाट्सएप चैट्स को नए फोन में ट्रांसफर कर सकते हो, यानी पुराने फोन के व्हाट्सएप चैट्स को डेटा को नए फोन में कैसे भेज सकते हो। क्योंकि दोस्तों इसका जो प्रोसेस है काफी लंबा है, हमें पुराने फोन में चैट्स का बैकअप क्रिएट करना होता है, फिर जाकर गूगल ड्राइव की मदद से नए फोन में उसको रिस्टोर करना पड़ता है। दोस्तों अब आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप में एक नया अपडेट आ चुका है, एक नया फीचर आ चुका है चैट ट्रांसफर का, ठीक है। आप एक क्लिक में QR कोड को स्कैन करके पुराने फोन के सभी डेटा को नए फोन में भेज सकते हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसके पहले जो प्रोसेस था काफी लंबा प्रोसेस था, 90% लोग सक्सेसफुली रिस्टोर नहीं कर पाते थे। अब आप बहुत ही आसानी से QR कोड को स्कैन करके पुराने चैट्स को, यानी पुराने फोन के जो चैट्स हैं, मैसेज एंड डेटा है, उनको नए फोन में बहुत ही इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वैसे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप पुराने फोन के व्हाट्सएप चैट्स को नए फोन में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर ये दो फोन देख सकते हो, मान लो कि ये पुराना फोन है, इसमें व्हाट्सएप ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, यानी इस फोन के व्हाट्सएप चैट्स को हमें इस फोन में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो सिंपली आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है, पुराने फोन के व्हाट्सएप को ओपन करना है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग्स को ओपन करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चैट्स, आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी चैट बैकअप क्रिएट नहीं करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको एक नया फीचर मिलेगा ट्रांसफर चैट्स, ठीक है। आप नीचे से दूसरा फीचर देख सकते हो ट्रांसफर चैट्स, आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। दोस्तों ये जो फीचर ये नया फीचर है, अभी अभी व्हाट्सएप में आया हुआ है। दोस्तों हो सकता है कि ये जो फीचर है ये आपके व्हाट्सएप में ना आया हो, ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि ये फीचर अभी रोल आउट हुआ है, अभी बीटा वर्जन है, बीटा टेस्टर लोगों को मिला हुआ है, ठीक है, कुछ दिन में सबको मिल जाएगा। कैसे यूज करना है आपको बताता हूँ। सिंपली आपको स्टार्ट पर टैप करना है, ठीक है, आपको कंटिन्यू पर टैप करना है। अब इसके बाद अपने फोन के लोकेशन को ऑन करना है, ठीक है। लोकेशन को ऑन करने के बाद आपको वाईफाई को भी ऑन कर देना है, इस तरह आपको लोकेशन और वाईफाई को ऑन करना है, ठीक है। इसके बाद आपको बैक आना है। अब दोस्तों आपको यहां पर QR कोड स्कैन करने का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, आप देख सकते हो स्कैनिंग का ऑप्शन ओपन हो चुका है पुराने फोन में। इसमें हमारा व्हाट्सएप है, ठीक है, ऑलरेडी व्हाट्सएप चल रहा है, अब हमें इस व्हाट्सएप को इस फोन में ट्रांसफर करना है, ठीक है, यानी ये पुराना फोन हो गया, ये नया फोन हो गया, इस फोन के व्हाट्सएप चैट्स को डेटा को हमें इस फोन में भेजना है। कैसे भेजना है, सिंपली आपको इस वाले फोन में, नए फोन में व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। आप ऊपर देख सकते हो लिखा हुआ है डाउनलोड व्हाट्सएप ऑन योर न्यू फोन, ठीक है, इसमें आपको व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर विद द सेम फोन नंबर, आपको सेम उसी नंबर से नए फोन में व्हाट्सएप को रजिस्टर करना है, ठीक है, यानी पुराने फोन में जिस नंबर से आप व्हाट्सएप को यूज कर रहे थे, सेम उसी मोबाइल नंबर से आपको नए फोन में व्हाट्सएप को रजिस्टर करना है, ठीक है। इसके बाद आपको नए फोन में रजिस्ट्रेशन के बाद एक QR कोड मिलेगा, ठीक है, आपको उस QR कोड को यहां पर स्कैन करना है पुराने फोन से, ये जो स्कैनर ओपन है इससे आपको इसके QR कोड को स्कैन करना है। दोस्तों पुराने फोन में व्हाट्सएप में जितने भी चैट्स होंगे, डेटा होंगे, वो नए फोन में ट्रांसफर हो जाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है। ये जो प्रोसेस है काफी इजी प्रोसेस है, आसान प्रोसेस है, आपको कोई भी चैट बैकअप नहीं लेना है, चैट को रिस्टोर नहीं करना है, सिर्फ आपको QR कोड को स्कैन करना है, ऑटोमेटिक पुराने फोन से सभी चैट्स नए फोन में ट्रांसफर हो जाएंगे। दोस्तों ये जो फीचर काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं, पुराने फोन के सभी चैट्स को नए फोन में वापस नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा है, लोग ध्यान नहीं देते हैं और चैट्स को सक्सेसफुली ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो फीचर है ये काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल फीचर साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप QR कोड को स्कैन करके एक क्लिक में अपने पुराने फोन के सभी चैट्स को, डेटा को नए फोन में ट्रांसफर कर पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।